नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाउ में। वीडियो में बात करने वाले हैं हम रितेश पांडे की आने वाली नई भोजपुरी फिल्म के बारे में, जिसका नाम है बेगुनाह। दोस्तों, इस भोजपुरी फिल्म को लेकर हमने आपको एक बात बताई थी कि किस तरीके से इस भोजपुरी फिल्म की जो शूटिंग है या फिर कहें कि शुभ मुहूर्त है, वो संपन्न हुआ था और शूटिंग शुरू हो गई थी। और उस तस्वीर में हमें देखने मिला था कि किस तरीके से रितेश पांडे के साथ शांति सिंह, जो कि इस भोजपुरी फिल्म में एक अहम किरदार में नजर आने वाली हैं, वो होने वाली हैं रितेश पांडे की हीरोइन। पर दोस्तों, अब एक और हीरोइन का साथ मिला है रितेश पांडे को उनकी इस भोजपुरी फिल्म बेगुनाह में, जो हम आपको आगे बताएंगे। पर उसके पहले, अगर अब तक आपने हमारे चैनल भोजपुरी नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भोजपुरी नाउ को सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें दोस्तों कि चांदनी सिंह के अलावा प्रियंका रेवड़ी इस भोजपुरी फिल्म में एक अहम किरदार में नजर आने वाली है, यानी कि दो दो हीरोइन, एक तो हो गई चांदनी सिंह और दूसरी हो गई दोस्तों प्रियंका रेवड़ी। दोनों ही अपनी कातिलाना अदाओं और एक्टिंग से आपका दिल जीतने को तैयार हैं इस भोजपुरी फिल्म में, जिसकी शूटिंग फिलहाल चल रही है। देखना होगा दोस्तों ये कि चांदनी सिंह और प्रियंका रेवड़ी का क्या किरदार होता है, जो कि रितेश पांडे के किरदार को किस तरीके से अफेक्ट करेगा या फिर दोस्तों किस तरीके से उसे प्रोत्साहन करेगा, मोटिवेट करेगा कुछ ऐसा कर गुजरने में, जो शायद दोस्तों उन्हें हीरो बना दे इस भोजपुरी फिल्म में बेगुनाह का, या फिर दोस्तों क्रिमिनल ही बना दे। क्योंकि इस भोजपुरी फिल्म का जैसा नाम है बेगुनाह, तो लगता है दोस्तों कि इसमें कुछ मर्डर वर्डर का केस हमें देखने को मिल सकता है, जो कि शायद रितेश पांडे के किरदार से जुड़ा हुआ हो सकता है। कई सारे दोस्तों सवाल हैं जो कि आने वाले समय में सबके जवाब एक एक कर कर मिलेंगे, जब तक इस भोजपुरी फिल्म का फर्स्ट लुक या फिर ट्रेलर निकल कर नहीं आता। इस भोजपुरी फिल्म के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। अगर एक्साइटेड हैं तो आपको क्या लगता है कि यह भोजपुरी फिल्म रितेश पांडे की क्या धमाल मचाने वाली है, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें भोजपुरी नाउ।